अलावा टंडो आदम में भी मामूलात जिंदगी अब तक पूरी तरह बहाल ना हो सकी। खेलों की सरगर्मियां भी ताहाल मौतल हैं। टंडो आदम के रेलवे ग्राउंड में इस वक्त 3 से 4 फीट बरसाती पानी मौजूद है। इलाका मकीन पानी की निकासी ना होने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुबतला हो रहे हैं। मजीद बताएंगे एहसान गौरी। हाँ जी बिल्कुल, हालिया बरसात को एक माह गुजर चुका है। टंडो आदम के भी इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी बरसात का काफ़ी मकदार में मौजूद है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टंडो आदम के इलाके जौहराबाद के रेलवे ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर अभी इस वक्त भी यहाँ पर 3 से 4 फीट पानी मौजूद है। जहाँ यहाँ हज़ारों रहायशी जो है यहाँ पर इस वक्त यहाँ मच्छरों की अफजाइश की वजह से मुख्तलिफ बीमारी मुबतला हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर एक माह से गुजरने के बावजूद भी यहाँ म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से तक इस पानी को नहीं निकाला जा सका है। उन्होंने इंतजाम से मुतालबा किया कि यहाँ पर अब ये बरसात का पानी निकाल कर यहाँ पर जो हमारे बच्चे और दिगर यहाँ पर बीमारी मुबतला हो रहे हैं उनसे निजात मिल सके। जी।